देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर हमारे पास है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो हैं वो दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। सर्कल को छूती हुई जो लाइन जाती है वो टेंजेंट्स कहलाती हैं। तो एक्स वाई भी सर्किल को टच करके गुजर रही है और एक्स डैश वाई डैश भी सर्किल को टच करके गुजर रही है और दोनों के दोनों पैरेलल्स भी हैं, ठीक है। विद सेंटर ओ एंड इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओ है एंड अनोदर टेंजेंट ए बी और एक दूसरी टेंजेंट है जो कि क्या है ए बी ये, ठीक है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता है जो टेंजेंट सर्किल को जिस पॉइंट पर छूती है उसको कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है सी है जहां पर ये इसको टच कर रही है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, तो ये जो लाइन है ये जो टेंजेंट है ये एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स वाई को जो है ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के, ठीक। हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी जो है वो कितना लेकर के आना है हमें 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ओ सी को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन ज्वाइन ओ सी, ठीक है। हमने ओ सी को ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसके प्रूफ में चलेंगे। प्रूफ में जाने से पहले हम एक काम ये करेंगे, इन सारे एंगल्स को, इस एंगल को हम 1 ले लेंगे, इस वाले एंगल को यहाँ से यहाँ तक को 2 ले लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक को 3 ले लेंगे और इसको 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम जो है दो ट्राइंगल्स में सबसे पहले काम करेंगे इन ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी में। तो इन ट्राइंगल क्यू ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे। अब जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि क्यू ओ बी की जो ओ क्यू लाइन है वो सी ओ बी की ओ सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों की दोनों रेडियस है, ठीक है, एक ही सर्किल की। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ओ क्यू बी की जो ओ बी लाइन है वो क्यू ओ बी में भी आ रही है और सी ओ बी में भी ओ बी आ रही है। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी जाके क्या हो जाएगी, कॉमन लाइन हो जाएगी, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं कि बाहर के पॉइंट से अगर किसी सर्किल पर टेंजेंट खींची जाती हैं तो उस पॉइंट से सर्किल पर खींची गई जो टेंजेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर हम पॉइंट बी की बात करते हैं तो बी पॉइंट से ये एक टेंजेंट होगी सर्किल पर जा रही है और ये भी क्या होगी, बी सी भी एक टेंजेंट होगी, तो ये दोनों की दोनों इक्वल होंगी। तो क्यू ओ बी की जो क्यू बी होगी वो सी ओ बी की बी सी के इक्वल होगी, सी बी के इक्वल होगी, ठीक है, क्यों है, टेंजेंट्स हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो है ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल क्यू ओ बी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ बी के, कौन से रिलेशन से, साइड साइड और साइड रूल से, ठीक है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो अब हमें ये मालूम है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनको इक्वल लग सकते हैं, कोई कोरस्पॉन्डिंग साइड हो या कोई कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो उनको हम इक्वल लग सकते हैं। तो क्यू ओ बी का एंगल 4 जो हो जाएगा वो सी ओ बी के एंगल 3 के इक्वल रखा जा सकता है, ठीक है, इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट आ चुकी है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ए सी ओ में जब देखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ जब इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो इसी तरीके से जो है एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिस तरीके से एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल हुआ इस तरह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन कितनी आ गई हमारे पास, 2, ठीक है। अब देखिए हमें ये मालूम है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और जब कोई स्ट्रेट लाइन होती है
तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उन सबका सम जो होता है 180 होता है। तो ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके एक तरफ के जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें जो एंगल चाहिए हमें ए ओ बी लाना है। तो ए ओ बी की अगर हम बात करें तो उसमें एंगल 2 और एंगल 3 आ रहा है। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 3 को तो हम ऐसे ही रखेंगे, बाकी एंगल 1 और एंगल 4 को यहाँ से हटाएंगे। तो एंगल 1 को हमें हटाना है, हमें तो एंगल 2 और 3 रखना है। तो एंगल 1 को देखो किसके इक्वल था, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल था। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू से जो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो एंगल वन जो था वो किसके इक्वल था, एंगल टू के। तो जहाँ पर एंगल वन लिखा हुआ है वहाँ पर एंगल टू रख सकता हूँ मैं, यहाँ पर एंगल वन की जगह एंगल टू रख सकता हूँ। एंगल टू को आप ऐसे ही रखेंगे, प्लस एंगल थ्री हमें चाहिए क्योंकि एंगल टू और एंगल थ्री को मिलकर ही ए ओ बी बनेगा। तो एंगल थ्री को आप ऐसे ही रखें, प्लस एंगल फोर, एंगल फोर एंगल थ्री के इक्वल था। तो यहाँ पर एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख सकते हैं इज इक्वल टू 180। तो 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 और प्लस एंगल 3 एंगल 3 2 एंगल 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब एंगल 2 और प्लस एंगल 3 को आप इसमें से ये 2 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा 180 अपॉन 2, 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ चुका है, मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये वाला एंगल और ये क्या है ए ओ बी। तो इसलिए इन दोनों को लिख सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी।